बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मुशाहिदीन अलकराम। के फिलहाल क्या हाल आप लोगों के? ठीक है, खैरियत से? रऊफ फजल अजीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम पेश हो। दोस्तों, जिस वक्त की फुन्नी फ्रेश अपडेट्स हैं ओमान के कोरोना वायरस के हवाले से, वो मैं आप लोगों की खिदमत पे लेके हाजिर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो केसेस की तादाद है वो थम रही है और जो अमवात है वो भी थम रही हैं। और अभी अभी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से पिछले 3 दिनों के केसेस बताए गए हैं, और आप लोग देख सकते हैं बताया गया कि पिछले 3 दिनों के अंदर सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर 348 नए मामले आए हैं कोरोना वायरस के। और इसकी पूरी तफसीलात क्या है आप लोग देख सकते हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर। आप लोग देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से बताया गया कि जुमेरात को 149, जुमे को 96 और हफ्ते को 103 मामले आए हैं, टोटल मिला के 348। और ये 348 केसेस मिला के आप लोग देख सकते हैं सल्तनत के अंदर 3,02,132 पर्सन को हो गया कोरोना वायरस। इसके अंदर मशले से मजीद रिकवरीज भी आई हैं, आप लोग देख सकते हैं 2,91,532 पर्सन की ओमान के अंदर रिकवरी होगी है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से बताया गया है कि जुमेरात को 5, जुमे को 2 और हफ्ते को 1 पर्सन की डेथ हुई है, और टोटल मिला के पिछले 3 दिनों में 8 पर्सन की डेथ हुई है, और कुल मिला के डेथ्स आप लोग देख सकते हैं 4,057 पर्सन की डेथ हो चुकी है। आप लोग देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो केसेस की तादाद है वो थम रही है और जो अमवात का लेवल है वो भी थम रहा है। तो लेकिन अभी भी जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से हदायत हैं हर सिटीजन और रेजिडेंट्स के ऊपर, वो यही है कि मास्क, सोशल डिस्टेंस और गैदरिंग, इन तमाम चीज़ों के ऊपर वर्क करके रखें ताकि जो केसेस की तादाद है सल्तनत के अंदर वो थम सके। अपने आप को इस वायरस से बचाएं और दूसरों को ये वायरस होने से बचाएं। तो ये तमाम इस वक्त की अपडेट्स थी ओमान की कोविड-19 के हवाले से, और इंशाल्लाह जैसे और भी जो न्यू अपडेट्स आती है वैसे इंशाल्लाह अपने प्यारे मुशाहिदीन के साथ शेयर करेंगे। बस यही कहेंगे आप लोगों से कि अपनी हफाजत करें, और रऊफ फजल अजीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।